यूपी विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही एग्जिट पोल्स आ गए। चुनावों के परिणाम भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनने के आसार तो हैं ही। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपने गढ़ में भी पार्टी की इज्जत बचाते नहीं दिख रहे हैं। सपा के कथित गढ़ माने जाने वाले इलाकों में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की 61 सीटों पर वोट पड़े थे। इन इलाकों के अधिकतर जिलों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, यहां तक कि लोग इसे यादवलैंड भी कहते हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स के सर्वे के अनुसार यहां भी भाजपा गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन को 61 सीटों में से 38 से 42 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं कुछ एग्जिट पोल्स ने तो भाजपा को 48 सीटें तक दी हैं, जबकि सपा गठबंधन को महज 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। गौरतलब यह भी है कि इसी इलाके की करहल सीट से खुद अखिलेश यादव भी उम्मीदवार हैं। इस इलाके में यादव, लोध, साक्य और मौर्य की अच्छी खासी तादाद बताई जाती है। इसे सपा संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ माना जाता रहा है। अब तक अधिकतर चुनावों में यहां से सपा को अच्छी खासी सीटें मिलती रही हैं, लेकिन अब की बार तस्वीर बिल्कुल जुदा है और सपा की हालत खराब। एग्जिट पोल्स के अनुसार तीसरे चरण में बीजेपी को 46%, सपा को 36%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 2% वोट शेयर मिल सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा गठबंधन ने पहले चरण से जो बढ़त बनाई वो अंतिम चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती हुई दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल असली परिणाम तो 10 मार्च को पता चलेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे समाजवादी पार्टी को बहुत अधिक खटकने वाले हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।